हेलो फर्स्ट स्टैंडर्ड, दिस इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू टॉपिक 3.2 बाम्बू एंड कैन वर्क द बाम्बू प्लांट। तो अभी हम देखते हैं बाम्बू प्लांट। द बाम्बू इज़ अ टॉल एंड थिन प्लांट। द पार्ट ऑफ द ट्री आर द रूट, द स्ट्रीम, द लीव्स एंड द फ्लावर। इट्स स्टीम आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। द पल्प इज यूज फॉर मेकिंग पेपर। तो ये देखिए, ये क्या है, बाम्बू का प्लांट है। बाम्बू कैसे होता है, टॉल होता है, बहुत ही ऊंचा होता है, और थीन होता है, पतला। और जो बाम्बू होता है उसके पार्ट कौन से होते हैं, उसे रूट होता है, ये नोड है, ये स्टीम, और इसे क्लम बोलते हैं, और ये लीव्स है। और बाम्बू किस लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो फर्नीचर होता है वो बनाने के लिए उसकी हम स्टीम यूज़ करते हैं। और बाम्बू का जो पल्प होता है उससे हम पेपर बनाते हैं, जिससे हमारे नोटबुक बनते हैं। कॉलेज ऑफ ड्राइड बाम्बू लीव्स। कलेक्ट द ड्राइड बाम्बू लीव्स, क्लीन देम प्रॉपरली, अरेंज द लीव्स ऑन द चार्ट पेपर टू फॉर्म अ ब्यूटीफुल कॉलेजेस। आपको सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए क्या करना है, आपको बाम्बूज़ के लिए हो वो कलेक्ट करने और उसे एक कार्ड पेपर पे पेस्ट करने, तो एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन तैयार होगी, जैसे कि यहाँ पे शो की है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे एक स्टोरी है, द रैबिट ऑन द बाम्बू आइसलैंड। तो एक रैबिट है जो बाम्बू के आइलैंड पे रहता है। रोनी द रैबिट लिव ऑन द आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ग्रेट पैसिफिक ओशन। तो जो रैबिट है उसका नाम है रोनी, और वो कहाँ पे रहता है, पैसिफिक ओशन के मिडल में एक आइलैंड है, वहाँ पे वो रहता है। द आइलैंड वॉज फुल ऑफ बाम्बू ट्री, बट देर वॉज अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद ग्रीन टेंडर ग्रास ऑन वन एंड ऑफ द आइलैंड। तो आइलैंड जो है वहाँ पे बहुत सारे बाम्बू ट्री है, तो बाम्बू ट्री का ही वो आइलैंड है, पर वहाँ पे एक थोड़ी सी जगह है जहाँ पे ग्रीन टेंडर ग्रास है, ग्रीन कलर की ग्रास है, थोड़ी सी जगह है जहाँ पे ग्रास है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ग्रास है, पिक्चर में शो की है। एवरी डे ही वुड रन टू द ग्रास पैच फ्रॉम हिज बोरो विच वॉज ऑन द अदर एंड ऑफ द आइलैंड। तो हर रोज़ वो अपने बिल से आइलैंड की दूसरी ओर तक दौड़ लगाता, उस ग्रास के ऊपर से वो दौड़ लगाता है। डॉगिंग द बाम्बू ट्री एज ही वेंट। तो वहाँ तक ग्रास खाने के लिए जाने के लिए उसे वो बाम्बू ट्री का जो आइलैंड है वो क्रॉस करना पड़ता है। वन डे रोनी थॉट, वाई कैन आई जस्ट गो एंड ईट द ग्रास विदाउट हैविंग टू होप राउंड ऑल दिस बाम्बू ट्री। तो वो सोचता कि क्यों मैं हर रोज इस बाम्बू ट्री के घूम के फिर मुझे ग्रास तक पहुँचना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है। आई कुड रीच देयर फास्टर इफ द ट्री वेयर नॉट देयर। और वो सोचता है कि मैं फास्ट जल्दी से पहुँचूंगा अगर वहाँ पे बाम्बू ट्री नहीं होगी। एन आइडिया केम टू हिम एंड ही सेट टू वर्क अपरूटिंग द बाम्बू स्टॉक ऑन हिज वे टू मेक अ स्ट्रेट पाथ टू द ग्रास पैच। तो रोनी क्या करता है, उसको स्ट्रेट सीधा अपने ग्रास तक पहुंचने के लिए वो जो बाम्बू है रास्ते में उसको उसे क्रॉस करना पड़ता था। तो वो सोचता है कि वो बाम्बू ट्री वो तोड़ दे। ही पुल आउट वन बाम्बू स्टॉल्क जस्ट एज ही वॉज पुलिंग आउट द सेकेंड स्टॉल्क। तो वो एक बाम्बू ट्री तोड़ता है, फिर वो सेकेंड तोड़ता है। ही हियर्ड अ लिटिल वॉइस क्राइंग आउट। जब वो सेकेंड तोड़ने जाता है तब उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लिटिल रैबिट रोनी, डोंट पुल आउट द बाम्बूज फॉर इफ यू डू एवरीथिंग ऑन हिज आईलैंड विल वैनिश। तो वो बाम्बू रो के क्या बोलते हैं, छोटे रोनी तुम ऐसा मत करो, तुम सब भाई बाम्बू ट्री मत तोड़ो इस आइलैंड से। रोनी वॉज सरप्राइज टू हियर द वॉइस, ही लुक अबाउट हियर एंड देयर टू सी फ्रॉम वेयर द वॉइस केम। तो रोनी सरप्राइज होता है कि ये आवाज़ किसका है, तो वो
इधर उधर देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आता है। ही सॉ द बाम्बू ट्री इन अ टीयर टॉकिंग टू हिम। तो वो देखता है कि एक बाम्बू ट्री रो रहा है और उससे बातें कर रहा है। ही आंसर्ड आई एम सॉरी मिस्टर बाम्बू ट्री बट आई एम ओनली मेकिंग अ पाथ टू गेट टू ग्रास पैच क्विकर। तो रॉनी क्या करता है, बाम्बू ट्री को सॉरी बोलता है कि मैं सिर्फ अपना मुझे स्ट्रेट जाने के लिए रास्ता बना रहा हूँ, क्लास तक मैं इजीली पहुँच सकूँ, इसलिए मैं रास्ता बना रहा हूँ। बट द बाम्बू ट्री सेड आई डोंट अंडरस्टैंड योर रीज़न बट द होल आईलैंड एंड इन डेंजर इफ़ यू डू सो। तो बाम्बू ट्री बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे, पर अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरा आईलैंड खतरे में आ जाएगा। वाई आस्क्ड रोनी एस्ट्रोनॉट टू विच द बाम्बू कैन रिप्लाई बिकॉज वी द बाम्बू स्टॉक सपोर्ट द ग्राउंड ऑन हिज आईलैंड एंड इफ वी डिसएपर द आईलैंड विल सिंक एंड यू विल सिंक विथ अस टू। तो रोनी बोलता है ऐसा क्यों होगा, सरप्राइजली वो पूछता है। तो बाम्बू ट्री क्या बोलता है कि अगर तुम सभी बाम्बू स्टॉक निकालोगे तोड़ दोगे तो बाम्बू ट्री वो आइलैंड को सपोर्ट करते हैं, अगर तुम वो सपोर्ट निकालोगे तो आइलैंड क्या होगा, सिंक होगा, पानी खींच लेगा, फिर तुम भी अपने आप सिंक हो जाओगे। क्लेवर रॉनी अंडरस्टूड दैट द बाम्बू ट्री वॉज राइट, ही डिड नॉट ब्रेक द बाम्बू ट्री एंड वेंट होपिंग एज यूजुअल टू हिज फेवरेट ग्रास पैच। तो रॉनी को समझ में आता है बाम्बू आइलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आइलैंड से बाम्बू हटा दे जाएंगे तो आइलैंड नहीं रहेगा, इसलिए बाम्बू ट्री को रॉनी नहीं तोड़ता है, वो समझ जाता है। वो जैसे राउंड मार के ग्रास तक पहुंचता था वैसे ही वो अभी जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्या है, बाम्बू डांस। द बाम्बू डांसर और द चेरवा डांसर इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड वेरी फेमस डांस ऑफ द मिजोरम। बाम्बू डांस और चेरवा डांस ये बहुत ही फेमस डांस है मिजोरम में। द डांसर ड्रेस इन देयर ट्रेडिशनल क्लॉथ एंड हेड जियर इन वाइब्रेंट कलर। तो डांसर क्या करते हैं, उनके ट्रेडिशनल कपड़े जो है वो पहनते हैं और वाइब्रेंट कलर के कपड़े वो होते हैं, देखिए इस पिक्चर में दिखा है। अ पेयर ऑफ बाम्बू आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड सपोर्टेड बाय टू बेस, द मेल डांसर सिटिंग फेस टू फेस एट अदर एंड टैप द बाम्बू एंड ओपन एंड क्लोज देम इन रायमेटिक पीट्स, द फीमेल डांसर स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बाम्बूज विथ ग्रेस। तो देखिए ऐसे बाम्बू है वो नीचे रखे जाते हैं और उस पर एक फीमेल डांसर लेडीज होती है वो खड़ी होती है और एक मेल डांसर जो होता है वो बैठा होता है और वो क्या करते हैं, बाम्बू हिलाते हैं, वैसे ही फीमेल डांसर मूवमेंट करती है। इंस्पायरिंग क्वोट्स अबाउट बाम्बू। अभी यहाँ पे बाम्बू के कुछ इंस्पायरिंग क्वोट दिए हैं। फर्स्ट, द टॉलर द बाम्बू ग्रो द लॉयर इट बेंड। जो बाम्बू टॉल होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और जो कम ऊंचे में होते वो बेंड होते। व्हाट लुक फ्रैगिल इज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग। और बाम्बू क्या होते दिखते बहुत पतले बट वो बहुत स्ट्रांग होते। बी स्ट्रांग एंड रेसिलेंट लाइक द बाम्बू। तो हमें भी बाम्बू की तरह स्ट्रांग होना है। डोमेस्टिक यूज ऑफ बाम्बू एंड केन आइटम। बाम्बू इज ग्रो इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। बाम्बू प्लांट हैज़ वेरी गुड स्ट्रेंथ। तो हम बाम्बू प्लांट जो होते हैं और केन होते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं वो देखते हैं। बाम्बू हमारे एरिया में बहुत जगह पे बाम्बू के ट्रीज होते हैं और बाम्बू की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है।
इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मेनी डोमेस्टिक आइटम, और ये बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सम डोमेस्टिक आइटम मेड फ्रॉम बाम्बू एंड कैन आर डेकोरेट फर्नीचर, बास्केट, टेबल मैट, वॉकिंग स्टिच, स्पून, फ्रॉक, लैडर, फ्लटर, फैन, ईट्स। तो हम बाम्बू से कौन कौन से आइटम बनाते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा है, फर्नीचर है, बास्केट है, चेयर है, स्टूल है, फैन है, वॉकिंग स्टिक, स्पून, फ्रॉक, ये सब हम बाम्बू यूज़ करके ये सब आइटम हम बनाते हैं। तो इस तरह बाम्बू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें बाम्बू ट्री को तोड़ना नहीं है। बाम्बू ट्री से हम बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं, और बहुत सारे बाम्बू ट्री से बने हुए चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।